बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो है व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड हु आर मैनेजर्स। ठीक है, इसके दो हिस्से होंगे बेसिकली। पहला हिस्सा तो है थियोरेटिकल कि मैनेजमेंट क्या होती है और मैनेजर्स किसको बोलते हैं, तो वो बुकिश नॉलेज है सारा जो आपको नेट पे भी मिल जाएगा, किताबों में भी मिल जाएगा, वो हम जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेंगे क्योंकि वो ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर डिटेल से डिस्कशन हो। वो ऐसा मटीरियल है जो आप ईज़िली नेट पे भी अवेलेबल है, बुक्स में भी अवेलेबल है। जो चीज़ें आपको ईज़िली अवेलेबल हैं उसकी तरफ सिर्फ इंडिकेट करूँगा ताकि आप अपनी याददाश्त को ज़रा मज़ीद ताज़ा करके, तो आप अगर डिटेल स्टडी करनी हो तो आप उधर चले जाएँ। जो चीज़ें आपको नेट पे नहीं मिलेंगी या वो चीज़ें जो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट बुक्स में नहीं मिलेंगी मगर वो मैनेजमेंट का हिस्सा है, हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे कोर्सेज में या इस सेशन में आने का कम अज़ कम ये फ़ायदा हो कि हमें यहाँ ये चीज़ सीखने को मिले जो हमें आम तौर पे उस मौजू की किताबों में ना मिले, फिर हमारा फ़ायदा होगा। अगर वही चीज़ जो किताबों में मिलनी है वही मैंने आपको दे देनी है या बाकी कोलीग्स ने आपसे शेयर करनी है तो फिर वो रेपिटेशन हो जाएगी, फिर न्यू लर्निंग नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है, तो पहले हिस्से में हम थोड़ी सी अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे, फिर वो चीज़ें जो मुख्तलिफ़ किताबों में अवेलेबल है वहाँ से निकाल के तो एक इसके सेकंड हिस्से के तौर पे जमा करके उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एक सवा घंटे में इसको वाइंड अप कर दें सेशन को। अच्छा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, दो तीन डेफिनेशन हैं। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि अ मैनेजर वर्क टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल यूजिंग इट्स रिसोर्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशेंट मैनर। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको कहीं भी मिल जाएगी बुक्स में से। सेकेंड डेफिनेशन आपको जो मिलेगी, मैनेजमेंट इज़ द अटेनमेंट ऑफ एंड रिजल्ट्स ऑब्जेक्टिव्स विद दी एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन भी होते हैं, फिजिकल फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन, थ्रू अ फैसिलिटेटिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस इन अ वे दैट बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बड़े सादा से सिंपल से। और थर्ड डेफिनेशन, अ सेट ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, directed at an organization's resources, जो human, financial, physical and information हो सकती है, with the aim of achieving organizational goal in an efficient and effective manner। हमने देखा तीनों डेफिनेशन में लफ्ज़ों का रद्दोबदल है, बात एक ही है मगर मुख्तलिफ एंगल्स उन्होंने बात समझाने की कोशिश की है। ये पिछली दो डेफिनेशन में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, efficient and effective, इन दोनों में फ़र्क क्या है? जी, वो तो उर्दू तर्जमा बता रहे हैं ना। एक तो ये है कि वो जो बंदा ड्यूटी कर रहा है, एक तो उसकी वो सेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है एज पर सेट स्टैंडर्ड उसकी कारकर्दगी, जी प्लस वो जो उसने काम किया है उसके आउटकम है वो नजर आना चाहिए पॉजिटिव। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, एफिशिएंसी डूइंग थिंग्स राइट और इफेक्टिवनेस डूइंग द राइट थिंग्स। यानी अगर कोई गलत चीज़ आप बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो वो एफिशिएंसी हो जाएगी, कोई गलत चीज़ बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इफेक्टिवनेस होती है कि पहले ये डिसाइड करें जो काम कर रहे हैं आया बजाते खुद वो ठीक भी है या नहीं, इसके ऊपर पॉलिसी चेक एंड बैलेंस होता है, गाइडलाइंस होती हैं उसमें दो। ये मैनेजमेंट फंक्शंस हैं जो ट्रेडिशनली आपको मिलेंगे, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। अगर ये सारे मिला लें फंक्शंस तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल आपका डिपार्टमेंटल गोल भी हो सकता है, सेक्शन का गोल भी हो सकता है और एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी हो सकता है। नाउ व्हाट डू मैनेजर्स डू, मैनेजमेंट फंक्शंस जैसे प्लानिंग में है तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग इन एडवांस एग्जैक्टली आपने ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे मीट करना है। ऑर्गेनाइजिंग होती है डेलीगेशन एंड कंट्रोल टास्क थ्रू टीम्स, लीडिंग है लोगों को साथ लेके चलना, टीम वर्क डेवलप करना, कंट्रोलिंग है एस्टैब्लिशिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मैकेनिज्म टू एनश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ठीक है ना, तो प्लानिंग फेज में आपकी आती है गोल सेटिंग, कैसे आपने यानी ऑब्जेक्टिव सेट कर लें, ये मैनेजेरियल लैंग्वेज है। और जब आप सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी में जाएंगे या पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स की तरफ जाएंगे तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स को वो लफ्ज़ लिखते हैं सेटिंग गोल्स, मगर बात एक ही होती है, कोई मकसद सेट करना होता है जिसको आपने अचीव करना होता है। ये अगर आप ये देखें ये फंक्शंस हैं जो बाहर का एरो में है, ये फंक्शंस हैं मैनेजमेंट।
और हर फंक्शन के ऊपर फिर अंदर के खाने में उसकी मैनेजमेंट स्किल्स है। जैसे प्लानिंग एक फंक्शन है और इस प्लानिंग के फंक्शन के अंडर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल और डिसीजन मेकिंग स्किल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस का सारा फंक्शन होगा। फिर आप जब ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन पे आएंगे तो वहाँ पे ह्यूमन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर जब आप लीडिंग के ऊपर जाएंगे कंट्रोलिंग के हवाले से तो टेक्निकल स्किल्स उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कंट्रोल में आपने मॉनिटर करना होता है टेक्निकलिटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट आ जाएंगे आपके। तो ये लीडिंग में जब आप जाएंगे तो फिर इसमें ह्यूमन और टेक्निकल स्किल्स दोनों ऐड हो जाएंगी, क्योंकि लीडिंग में आप ह्यूमंस को भी लीड कर रहे हैं और ऑपरेशंस को भी लीड कर रहे हैं। तो अच्छे लीडर के लिए फिर उस इंडस्ट्री की नो हाउ थियोरेटिकल, टेक्निकल और फिर लोगों को कैसे साथ लेके चलना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, ह्यूमन स्किल्स, ये दोनों मिलती हैं तो उससे लीडिंग रोल डेवलप होता है आपका। जी वो हम आगे आके डिस्कस करेंगे एंड पे, जब कौन सी स्किल्स ऐसी चाहिए होंगी। आपको पॉलिटिकल स्किल नहीं चाहिए होंगी, क्योंकि पॉलिटिकल स्किल्स बेड़ागर करती हैं डिपार्टमेंट का भी और लाइफ का भी। आपको टीम मैनेजमेंट स्किल चाहिए होंगी, इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। आपने पॉलिटिकल स्किल्स डेवलप करनी है या टीम मैनेजमेंट स्किल डेवलप करनी है? काम दोनों का एक ही है, यानी दोनों में आपने लोगों को मैनेज करना है। जब आप पॉलिटिकल स्किल्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पॉलिटिकल स्किल्स या पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, इसमें एक नेगेटिविटी का आंसर पहलू जब आप बुक्स में पढ़ेंगे तो इससे मुराद ही होता है कि काम से हटके लोगों में इन्वॉल्व होके किसी को फेवरेटिज्म की बेसिस पे आगे कर देना, किसी को पीछे कर लेना, ये सारी पॉलिटिकल स्किल्स होती हैं। परफॉर्मेंस की बजाय ذاتی पसंद और नापसंद की बुनियाद पे कुछ लोगों को आगे ले जाना, कुछ लोगों को पीछे खींच लेना, ये होती हैं पॉलिटिकल स्किल्स। अच्छे लीडर के लिए, अच्छे मैनेजर के लिए, अच्छे मैनेजमेंट फंक्शंस को हैंडल करने के लिए आपको टीम मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, पॉलिटिकल स्किल नहीं। या अगर इसको पॉजिटिवली करना हो आपने तो हिकमत चाहिए आपको टीम को मैनेज करने के लिए, पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं चाहिए, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट में इन्होंने इसको कैसे हैंडल किया इस चीज़ को। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, आपके टॉप मैनेजर्स आ जाते हैं, मिडल मैनेजर्स आ जाते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हैं। टॉप मैनेजर्स में CEO आ गया, प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट हैं। मिडल मैनेजर्स में सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और डिपार्टमेंट हेड आ जाते हैं। ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फिर आप इसमें ओहदे बदलते रहें, मगर लेवल एटलीस्ट कम बेश यही रहेंगे। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को बाज़ का तो ऑपरेशन मैनेजर्स भी कह देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें आपका सुपरवाइज़र आ गया, सेक्शन हेड आ गया, ऑफिस मैनेजर आ गया और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर जो रैंक एंड फाइल हमारा होता है, कि इसमें जो एग्जैक्ट वो आदमी जो काम कर रहा है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर, अगर स्टीवर्डिंग में है तो वो इंडिविजुअल है, माली है तो इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहा है। फिर वो जैसे जैसे एज अ ग्रुप की शक्ल में देखते जाएंगे तो फिर वो हायरार्की में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बट दीज आर सम ऑफ द ले, अब ये हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल का एक अपना काम होता है। अगर आप उसमें देखें तो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स जो हैं इनकी बेसिक सुपरविजन है, मोटिवेशन है, परफॉर्मेंस फीडबैक, ये सारी चीज़ें करते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं ना, वो बेसिकली विजन बिल्डिंग होती है, पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं, वो डायरेक्शन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, फिर उस डायरेक्शन को कन्वर्ट करना होता है डॉक्यूमेंटेशन में, वो निचले मैनेजर्स काम करते हैं। फिर उन डॉक्यूमेंटेशंस को कन्वर्ट करना होता है ऑपरेशंस में, वो फिर उस निचले लेवल के मैनेजर्स का काम होता है। तो मिडल लेवल मैनेजर्स, इसमें टॉप लेवल फर्स्ट लेवल मैनेजर्स जो वो डायरेक्टली रैंक एंड फाइल को डील कर रहे हैं, ये आ जाएंगे। मिडल लेवल मैनेजर्स में सिलेक्शन ऑफ स्टाफ है, वर्क क्लैरिफिकेशन है, जैसे हम लोग एग्जीक्यूटिव्स जो हैं डिपार्टमेंट हेड या मिडल लेवल मैनेजर्स में आते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स में विजन स्टेटमेंट डेवलप होती है कंपनी की, कंपनी करना क्या चाहती है, उसका विजन क्या है, कहाँ जाना चाहती है। पॉलिसी डिज़ाइनिंग है, डेवलपिंग गाइडलाइंस हैं, एनालाइजिंग एंड फाइन ट्यूनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, मार्केटिंग कंपटीशन है। हमारे यहाँ टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है, ये सेक्रेटरी एंड अबव, उसके नीचे जो मिडल लेवल मैनेजर आते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट हेड आ जाते हैं। हमने टॉप मैनेजमेंट लेवल की गाइडलाइंस को लेके उसको डिपार्टमेंटल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना होता है। एग्जीक्यूटिव्स का, हमारे डिपार्टमेंट हेड्स का ये काम होगा। और फिर हमारे अंडर जो सेक्शन हेड हैं, सुपरवाइज़र लेवल के हैं, वो फिर आगे रैंक एंड फाइल तक वो फॉलो अप करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैनेजमेंट थ्योरीज़ का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री में बता देता हूँ, ये भी इंटरेस्टिंग है।
सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप हुई थी फ्रेडरिक टेलर की, टाइम एंड मोशन स्टडी आपने सुना होगा, ये इसी ने डेवलप की थी, यानी बुनियाद इसी ने रखी थी। फिर आगे चल के मियाँ बीवी थे दो साइंटिस्ट, उन्होंने उसको मज़ीद डेवलप किया था। अच्छा, फ्रेडरिक टेलर ने किया क्या था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, कि केयरफुली स्पेसिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, यानी अगर आप इसको डिटेल में देखें तो इसने ये कहा था कि हर आदमी के काम के इंडिविजुअल एरिया की, इंडिविजुअल एलिमेंट की साइंटिफिक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एस्टेब्लिश की जाए कि वो काम उसने करना क्या है साइंटिफिक बेसिस पे। फिर उसको साइंटिफिकली उस काम के लिए एक आदमी जो उसकी एबिलिटीज और वो काम की रिक्वायरमेंट आपस में मैच करके उसको सिलेक्शन प्रोसेस ठीक हो, फिर उसको ट्रेन किया जाए और फिर डेवलप किया जाए वर्कर को, फिर उसको पूरी दिल के साथ उसको सपोर्ट किया जाए वर्कर के काम को ताकि वो काम के अंदर डेवलपमेंट हो, डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, ठीक है, इम्प्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी थ्रू वर्क स्टडीज़ टूल्स इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, जो भी है। ये फ्रेडरिक टेलर ने 1890 पैदाइश थी और 1940 में इसकी वफ़ात हुई। ये फर्स्ट मैनेजमेंट थ्योरी इंडस्ट्रियल एरिया में ये डेवलप हुई थी और इसकी बुक भी है, इसके पूरे जिसमें इसने पूरा थॉट प्रोसेस अपना बयान किया, वो नेट पे आपको मिल भी जाएगी। उसके बाद एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी आई थी मैक्स वेबर की, 1930 की पैदाइश है, 1950 में 1830 की पैदाइश है, डेट्स आप देख लीजिएगा शायद गलती ना हो टाइप होने में। इसने साइंटिफिक थ्योरी के साथ ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट को जमा करके तो इसने क्या किया था, फोकस्ड ऑन डिवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू हायरार्कीज, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल। ही सजेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर ऑल रूटीनाइज्ड टास्क, यानी जो हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, किसने क्या करना है, अथॉरिटी कहाँ से कहाँ चलेगी, किसने क्या करना, यानी लोगों की वर्क फ्लो के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और वर्क फ्लो को किस तरह से प्रॉपरली डिज़ाइन करना है। जो पहली थ्योरी थी साइंटिफिक, उसमें काम की नौइयत जो वर्कर ने करना है और वर्कर की अहलियत उसको फोकस किया था, इसने उसको भी शामिल करके तो ऊपर पीछे जो चेन ऑफ कमांड होती है कि कौन क्या अथॉरिटी रखता है और किसने क्या ऑर्डर पास करना है, और ऑर्गेनाइजेशन में जितना एक अच्छा हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा उतनी अच्छी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, ये उसका सेकंड था कंट्रीब्यूशन। और फिर उसके बाद 1930 से ऑनवर्ड ये जब दो थ्योरियां इंडस्ट्रियल एरिया में इंप्लीमेंट हुई थी तो इससे फिर एक रिएक्शन भी क्रिएट हुआ था, और वो रिएक्शन ये था कि दोनों का जो फोकस था, पहली थ्योरी का फोकस था काम जिसमें वर्कर को ज़रा कम अहमियत हासिल थी, दूसरी थ्योरी का फोकस था ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जब क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि इंडस्ट्रियल माइंडसेट ने इतना ज़्यादा इंडस्ट्री पे फोकस करके काम को इतना फोकस किया है कि लोगों की फलाह बहबूद उसमें से निकल गई है, तो एज अ रिएक्शन फिर ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट डेवलप हुई थी जो आज के दिन तक आप बुक्स पढ़ते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई का क्या रोल है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है, एम्प्लॉई क्यों नहीं डेवलप हो रहा, यानी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉई ये इकट्ठे डेवलप होने चाहिए, जिस एम्प्लॉई की वजह से ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है वो एम्प्लॉई क्यों नहीं डेवलप हो रहा, उसकी वजह से भी ये ट्रेड यूनियन और बाकी सारी चीज़ें जो थी ये डेवलप हुई थी। तो इस ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की एंटायर जो फिलॉसफी थी ये बिहेवियर साइंसेस थी, कि बिहेवियर को स्टडी करें, लोग काम करके ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, सोसाइटी ग्रो करती है, इंडस्ट्री डेवलप होती है, बट लोगों का मेयार ज़िंदगी ये क्यों नहीं डेवलप हो रहा, दैट वाज द क्वेश्चन। तो इन्होंने इस ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी में लोगों को फोकस भी करवाया, तो इसीलिए आपने देखा होगा अभी अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजमेंट हो या जनरल मैनेजमेंट हो या इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, उसमें लोगों का ह्यूमन बिहेवियर के टॉपिक भी ऐड कर दिए हैं कि प्रोजेक्ट के साथ साथ बिल्डिंग के साथ साथ जो कल्चर है वो बिल्डिंग से नहीं बनता, वो लोगों से बनता है, तो लोग भी साथ साथ ग्रो करने चाहिए, सेंस ऑफ कनेक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोगों की ये तब एस्टेब्लिश होती है जब ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ लोगों की नीड को भी एड्रेस करें, ठीक है। ये आप नेट पे जाएंगे तो इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये समरी ऑफ की पॉइंट्स हैं कि मैनेजमेंट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इसमें स्टाफिंग भी आ जाती है। मैनेजर्स नीड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स,
और मैनेजर्स अडॉप्ट इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स, डिसीजनल रोल. इसका मतलब यह है कि एक दूसरे से मिलना जुलना ये उनके रोल्स में होता है. ये डेवलप होनी चाहिए इनके अंदर स्किल. इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी करनी होती है, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ये उनके रोल्स में है. और फिर इन्होंने डिसीजन भी लेने होते हैं, तो ये भी उनको होना चाहिए. दी मैनेजर्स लेवल टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है और फर्स्ट लाइन मैनेजर जिसको ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं, वो भी इसमें शामिल आ जाती है.